हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम एतजाज अली गोपांग। टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस द रूल्स ऑफ प्रेसिडेंट। सो स्टार्ट बिफोर द स्टार्टिंग वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लेट अस स्टार्ट टॉपिक द रूल्स ऑफ प्रेसिडेंट। नंबर वन, ऑल डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंटेन टू पार्ट्स। जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं उनमें दो पार्ट्स होते हैं, एक रेशो डिसेंडेंडी और दूसरा हमारा ओबिटर डिक्टा। तो पहले मैंने लिखा है रेशो डिसेंडेंडी, तो पहले रेशो डिसेंडेंडी को डिफाइन करते हैं कि रेशो डिसेंडेंडी इज़ अ पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट दैट डिस्कस्ड रिलेवेंट लीगल प्रिंसिपल्स। यानी कि वो उस प्रेसिडेंट के साथ जो रिलेवेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना लॉ के, रिलेवेंट लीगल प्रिंसिपल्स, यानी जो लॉ उस पर अप्लाई किया गया हो तो हम उसको क्या कहते हैं, रेशो डिसेंडेंडी। रेशो डिसेंडेंडी इज़ बाइंडिंग टू बी फॉलोड। रेशो डिसेंडेंडी बाइंडिंग होता है, एनी हाउ आपको वो फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आता है ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा इज पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट दैट रिलेवेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन बट आर नॉट इंसिडेंटल टू द जजमेंट। यानी कि उसमें रिलेवेंट लॉज होते हैं मगर जो उसके साथ इंसिडेंटल जो जजमेंट होती है ना, वो ओबिटर डिक्टा आर नॉट बाइंडिंग, तो वो बाइंडिंग नहीं होती है। यानी कि जो जजमेंट आती है वो इंसिडेंटल आती है, और रेशो डिसेंडेंडी में लॉज फॉलो, जो लॉज होता है रिलेवेंट लीगल प्रिंसिपल्स, वो बाउंड होते हैं टू बी फॉलोड, और ओबिटर डिक्टा इज नॉट बाइंडिंग टू बी फॉलोड। उसके बाद हमारा आता है सेकंड, ओल्डर प्रेसिडेंट आर नॉट रिफर्ड एज प्रेसिडेंट बिकॉज लॉ चेंजेस विथ चेंजिंग हैबिट एंड कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी। यानी कि ओल्ड प्रेसिडेंट्स को आप फॉलो नहीं करेंगे, एज अ प्रेसिडेंट रेफर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रीज़न ये बताया गया है कि लॉ चेंजेस होता है डे बाय डे, तो पिछले सोसाइटी को देख के जजेस ने जो ला दिया होगा तो वो अब सोसाइटी चेंज होता है। देखते हैं, आपको पता है कि सोसाइटी डे बाय डे चेंजेस हो जाती है, अपने लॉज रूल्स चेंज करते हैं, तो इसलिए ओल्ड प्रेसिडेंट्स आर नॉट रिफर्ड एज अ प्रेसिडेंट। नंबर थ्री, प्रेसिडेंट लॉस देयर बाइंडिंग फोर्स व्हेन हायर और सुप्रीम overrule or decide another case that decision referred to as a precedent was wrongly decided by other court। यानी कि superior या higher courts वो overrule करती हैं दूसरे decide किए हुए फैसले को, जो दूसरी court ने फैसला दिया हो तो ये overrule करके उसको कहते हैं कि ये wrongly decided किया गया था, तो उसके बाद वो ये wrongfully decided by other court जो होता है precedent वो enforceable नहीं होता, वो binding force नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर, प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाइंडिंग इफ़ इट वाज रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ रूल्स आर स्टेजू। प्रेसिडेंट बाइंडिंग नहीं होती, बाइंडिंग यानी कि आप फॉलो उसको नहीं करेंगे इस बाउंड, तो क्योंकि जब वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ करे या किसी रूल को या स्टेजू हम उसको कहते हैं कि जो पार्लियामेंट ने पास किया हो, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ स्टेजू को जो भी प्रेसिडेंट इग्नोर करेगी तो वो प्रेसिडेंट अपनी बाइंडिंग फोर्स ख़त्म कर देती है। नंबर फाइव, रूल ऑफ प्रेसिडेंट इफ़ अ कोर्ट डिसाइड अ मैटर ओवर लुकिंग अ डिसीजन ऑफ इट्स सुप्रीम कोर्ट ऑन द सेम पॉइंट ऑफ लॉ दैट सच प्रेसिडेंट हैज़ नो फोर्स ऑफ लॉ। जब कोई कोर्ट अपनी सुप्रीम कोर्ट्स के उसी सेम मैटर पे, जो अब इसने कोई डिसाइड किया मैटर, उसी सेम मैटर पे सेम लॉ पे अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ये ओवरलुकिंग का मतलब कि आप उसको नज़रअंदाज करें, छोड़ दें, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को आप सेम पॉइंट पे सेम लॉ पे छोड़ के आप अपना फैसला देंगे तो सच प्रेसिडेंट हैज़ नो फोर्स ऑफ लॉ, तो वो बाइंडिंग नहीं हो जाएगी, उसको लॉ को भी फोर्स नहीं करेगा कि आप उस प्रेसिडेंट को फॉलो करें बिकॉज ही इग्नोर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। नंबर सिक्स, If there is an inconsistency between two decisions of the same ranking court, then such decision is not binding। अब यहाँ पर अगर same court है, दोनों high court से अगर decisions दे, दोनों high court से same ranking के decision एक ही point पर लेते हैं तो वो decision binding नहीं होगा, कि नीचे वाली lower court उसको किस चीज़ को follow करे, दोनों की ranking same है तो ये decision binding नहीं हो जाएगा। तो ये थे rules of precedent।